नगर निगम और यूआईटी में आपसी तालमेल नहीं होने का खामियाजा स्थानीय वासियों को भुगतना पड़ रहा है। मामला उत्तर निगम के वार्ड 13 की कंसुआ अफोर्डेबल आवास योजना का है। नगर निगम कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 13 में कंसुआ अफोर्डेबल आवास के सीवरेज लाइन चौक हो जाने से कंसुआ क्षेत्र में सीवरेज के गंदे पानी से तालाब बन गया है। स्थानीय वासियों को बदबू और गंदगी की समस्या का पिछले काफी सालों से सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय वासियों का कहना है कि नगर निगम व नगर विकास न्यास प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दे दी गई, केवल आश्वासन ही मिल रहा है। यहाँ पर समस्या आ रही है, एक तो गंदगी आ रही है अपने कंसुआ अफोर्डेबल की, जो क्या इससे पूरा जो कंसुआ अफोर्डेबल का जो गंदा पानी है, जो भी लेटरिन का पानी है, वो अपने यहाँ पर आके इकट्ठा हो रहा है पीछे। और इससे क्या है, बहुत एक तो सरकार बोल रही है स्वच्छता भारत का जो मिशन चल रहा है उसको फॉलो करो, एक तरफ ये गंदगी यहाँ पर हो गई, इससे हम परेशान हो गए। अब सीवरेज लाइन का ये पूरा यहाँ पे पीछे की तरफ पूरा तालाब भर चुका है, और हम कई बार यूआईटी को अवगत करा चुके हैं, नगर निगम में भी कंप्लेंट करा चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई देखने करने नहीं आता है। इस बारे में नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सीवरेज की सफाई के लिए नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आज की ये स्थिति है कि यहाँ पर ये सीवरेज लाइन पूरी तरह चौक हो गई है। नगर निगम के द्वारा इसमें कर्मचारियों से सफाई भी कराई गई, बाकी मैनुअली सफाई कराना संभव नहीं हो पा रहा है। 5-6 बार प्रयास भी किए, निगम में अवगत कराया तो निगम ने जेट मशीन भी भेजी, लेकिन जेट मशीन जब भेजी तो यहाँ पर जेट मशीन के पहुँचने का संसाधन नहीं है, मतलब रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पर तालाब भर गया, रास्ता आनी मतलब गाड़ी यहाँ पर आ सके ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है। इस हेतु हमने यूआईटी में ओपी वर्मा जी हैं हमारे चीफ साहब, तो उनसे बात की तो उन्होंने आवाज़ के एक्शन साहब राठौड़ साहब उनसे बात की थी, तो उन्होंने काम जल्दी निस्तारण करने के लिए कहा है। वहीं नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा का कहना है कि यहां पर मशीनों के द्वारा सफाई करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नगर विकास न्यास की ओर से अभी तक सीवरेज के चैम्बर कहां पर हैं इस बारे में अवगत नहीं करवाया गया है।